हेलो एवरीवन, वेलकम है रूबीज क्रिएटिव बालकनी गार्डन में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हमने किचन से निकले रसगुल्ले के डिब्बे और डिश वॉश के ढक्कन का यूज करके कुछ नया चीज़ बनाया है, जो कि हमारे किचन में ही बहुत कुछ मिल जाते हैं जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आज उसी का उपयोग करके देखिए, हमने एक बहुत ही सुंदर डॉल प्लांटर बनाया है। तो हमारे यहाँ दिवाली पे रसगुल्ले के डब्बे आए थे, तो उसको हमने साफ़ करके रख लिया था ताकि हम कुछ इस पर बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कैसे मैं बना रही हूँ और किस तरह से बनाना है। और ये ढक्कन है जो, इस पर भी हम पेंटिंग करेंगे पत्तों की सहायता से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो हम वाइट कलर से पेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो भी पेंट था उसी से कर लिया। ये एनिमल पेंट है, जो ऑयल पेंट होता है उसी से हमने किया है। सारे पे वाइट कर लिया है ढक्कन पे। तो ये हमने 5-6 ढक्कन पेंट कर लिया है और इसको सूखने के लिए रख दिया। और ये है रसगुल्ले वाला डब्बा, इसका उपयोग करके मुझे डॉल प्लांटर बनाना है। तो देखिए कैसे मैं बना रही हूँ। और ये पत्ते की सहायता से मैं पेंटिंग कर रही हूँ, बहुत ही जल्दी बन जाता है। पत्ते पे पेंट लगाइए और इस पर रख लीजिए तो उसका निशान निकल आता है और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो इसमें का हमने 3 बनाया है और ये बालकनी में लगाऊंगी मैं अपने। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जहाँ पे पत्तों से प्रिंट नहीं हुआ है वहाँ पे थोड़ा बहुत कलर करना पड़ रहा है, वैसे हो गया है लगभग। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक। तो इसको भी हमने पेंट कर लिया है और ये लगभग सूख गया है 6 घंटे बाद। ये मैं सेलो टेप ले रही हूँ, ऊपर से चिपकाना है मुझे और इसके नीचे से पेंट करेंगे ताकि अच्छे से पेंट हो जाए हमारा और इधर उधर हमारा शेप ख़राब ना हो, इसलिए हम ये लगा रहे हैं सेलो टेप। और इसको फिर बाद में हटा देंगे। तो इस पे मैं रेड कलर कर रही हूँ और ये नीचे का बेस है डॉल का। तो मैंने सेलो टेप चिपकाया है, उसी को ध्यान में रखते हुए नीचे से उसके कलर कर रही हूँ। और ये मार्कर की सहायता से हमने शेप दिया है। और डॉल प्लांटर मैं पहली बार ही बना रही हूँ और बहुत अच्छा बनकर के तैयार हो गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा किस तरह से हमने बनाया है। मार्कर बहुत अच्छा होता है कोई भी शेप देने के लिए, क्योंकि ये तुरंत सूख जाता है। तो ये पेंट हो चुका है लगभग, अब दूसरा वाला कर लेते हैं, इसका ऊपर का पार्ट। और इसको सूखने के लिए रख देंगे। और ये रेड वाला एक्रेलिक पेंट है, इसे मैं कर रही हूँ। मेरे पास जो कलर आता है वो यूज कर लेती हूँ। एक्रेलिक पेंट भी अच्छा होता है, ये जल्दी सूख जाता है। और ऊपर वाला का मैं पिंक से कर रही हूँ और इसमें भी सेम वही कलर भर लिया है। तो ये देखिए मेरा कलर कंप्लीट हो गया है, नीचे वाला का और ये ऊपर वाला है। तो अब मुझे बनाना है डॉल का फेस, तो इसको भी बना लेते हैं। तो ये भी हम मार्कर की सहायता से कर रहे हैं। तो इस काम को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ता है ताकि खराब ना हो। तो देखिए कैसा बनता है इनका फेस। और ये नीचे वाला है, तो इस पर भी हमने डॉट डॉट कर लिया है ताकि अच्छा लगे। तो ये देखिए हमने फेस बनाने की कोशिश की है। और अब आंखें बना रही हूँ। तो आप लोग बनाइएगा इनका फेस कैसा बना है इस डॉल का।
और मुझे डॉल का आंखें गोल वाला ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने गोल वाला बनाया है। अब मुझे इसमें देना है वाइट कलर। तो लगभग डॉल का आंखें बन गई है। अब मुझे बनाना है इनका होंठ। इसके बाद मुझे बनाना है इनका आईब्रो। तो पूरा फाइनल लुक आप देखिए किस तरह की डॉल लग रही है ये। और प्लास्टिक वाले गिलास की सहायता से इनका हाथ और पैर बनाया है हमने।